राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहता हूं, बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सांसद, कार्यकर्ता और बतौर एक नागरिक इस देश का। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल के भीतर हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है कानून तहत, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे 2 साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, 2 साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, ये कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवाज मिले। ये हमारी मांग है, मेरी मांग है, बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत देश का एक नागरिक। ये जो साधन दिए जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी को, ये कानून में इसका प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए आपको एक तंत्र चाहिए, कुछ साधन चाहिए। हजारों लोग देश भर के कोने से आते हैं आपसे मिलने, चिट्ठियां लिखी जाती हैं, चिट्ठियां भेजी जाती हैं, आप जैसे पत्रकार आते हैं संवाद करने, लोग आते हैं, दिल्ली के लोग, देश भर के लोग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से लोग आते हैं मिलने। इसके लिए इस साधन की व्यवस्था की जाती है। एक साधन है ये हमारा राष्ट्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय पार्टी, हम गुजरात चुनाव में जब हमारे विधायक बने, हमारा वोट परसेंटेज अच्छा आया, उसके बाद हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। लेकिन करीब करीब 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद और कोर्ट कचहरी के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने हमें ये ऑफिस, ये कार्यालय दिया कोर्ट के आदेश अनुसार। लेकिन इस बार मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि बिना किसी देरी के, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना किसी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होते हुए कानून को फॉलो करें और हमारे नेता, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को एक साधन के रूप में सरकारी आवाज अवश्य दिया जाए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो आम आदमी पार्टी का हक है। इस देश में लगभग